अगर आप इस फेस पैक को सिर्फ 20 मिनट के लिए हफ्ते में दो बार लगा लेते हैं ना, तो आपकी स्किन इज लाइक बहुत ही ब्राइट, जबरदस्त और ग्लोई हो जाएगी। और इसके इंग्रेडिएंट की टेंशन ना लें, बहुत ही इजी है, आपको किचन से मिल जाएंगे। बस एक बार आप इसे बना कर रख लीजिए और फिर आप इसका आराम से इस्तेमाल कीजिए। मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आपकी ग्लोई स्किन पाने के लिए, वो है मूंग दाल। आपकी जबान में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मूंग दाल का फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसे ग्राइंड करना होगा। फाइनली इसका हमें पाउडर चाहिए, तो इसको ग्राइंड करने के बाद इसे छान लीजिएगा। मजीद छान लेने के बाद ये बिल्कुल ही फाइन और जबरदस्त क्वालिटी में आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। आप इसे बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच ग्रीन ग्राम फ्लोर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी सैंडलवुड पाउडर 1 स्पून। संदल पाउडर अगर आपके पास नहीं है या आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा, बल्कि आपका चावल का आटा बहुत ही फाइन क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज ये स्क्रब बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं राइस फ्लोर। थर्ड मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 चम्मच योगर्ट, एक नहीं बल्कि जितना आपको चाहिए आप इसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका पेस्ट जो है वो बिल्कुल जबरदस्त सा स्मूथ टेक्सचर का बने। अगर आप 2 चम्मच ऐड करना चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं, ज्यादा लिक्विडी आपका पेस्ट नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको दही सूट नहीं करती तो आप इसमें रॉ मिल्क यानी कि ताजा कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं, 3 चम्मच मूंग दाल पाउडर, 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर और 1 से 2 चम्मच दही का। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका फेस पैक तैयार है, जिससे आपको सिर्फ एक बार लगाने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। फेस पैक को बनाकर आप चेहरे और गर्दन पर इक्वली लगा लीजिए। हाथों पांव पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि वो अच्छे और ब्राइट ग्लोई नजर आए। अच्छा, तो फेस पर लगाने के बाद 20 मिनट तक वेट कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि ये बिल्कुल ड्राई होगा तो आप वॉश करेंगे, सिर्फ आपने 20 मिनट के लिए इसे लगाना है। 20 मिनट के बाद आप अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी रेमेडी लगाने के बाद फेस वॉश से या सोप से अपना चेहरा क्लीन मत किया करें, सिर्फ पानी से धोया करें। इससे जो है वो आपको डबल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको एक बार लगाने के बाद आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, ये मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपसे शैम्पू शेयर किया था जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सीरियसली, वो पर्सनली मैं खुद भी अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने अपनी बहनों को 5 शैम्पू गिफ्ट भी किए थे। उसके बाद मुझे उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जिन बहनों ने ये बनाया अपने घर पर उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो आप भी घर बैठे ये शैम्पू मंगवा सकती हैं। अब मुझे अगेन कमेंट ना करना कि प्लीज़ आप पे लिंक शेयर कर दें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगेन बता रही हूँ, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं।